नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज फिरोजाबाद। सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र भाजपा द्वारा निकाली जा रही कमल संदेश पद यात्रा का हुआ समापन। देश व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं लोगों को जागरूक करने के लिए विगत 1 दिसंबर से भाजपा द्वारा निकाली जा रही कमल संदेश यात्रा का समारोह पूर्वक हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ब्रज क्षेत्र मंत्री उदय प्रताप सिंह, इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक पालिका चेयरमैन सोनी सिवारे ने सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। फिरोजाबाद से आशीष उपाध्याय की खास रिपोर्ट। नारे दिए गए, लगाए गए कि वसुंधरा फेर नहीं, मोदी से वैर नहीं, इस तरीके के भ्रामक प्रचार दिया गया। फिर भी हमारी पार्टी ने भरपूर संघर्ष किया और हम लोग और ज्यादा उत्साह के साथ, कहीं अगर हम लोग इसमें अगर रेट देख करके अपना मनोबल काम कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। मनोबल को हमको और ऊंचा करना पड़ेगा। कहीं विरोधियों को ये ना लगे अंतिम रात जा रहे तो भाजपा वाले डाउन हो गए, कतई ये नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा। और इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का पूरे आभार, धन्यवाद। ब्रज क्षेत्र मंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पदयात्रा अभियान चलाया गया। उस पदयात्रा अभियान के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता में जिन लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है, उन लाभार्थियों से घर घर, गांव गांव और गली मोहल्ले में जाकर संपर्क करना, इस दृष्टि से ये पदयात्रा लगातार 15 दिन चली और आज इस पदयात्रा का सिरसागंज विधानसभा पर समापन हुआ। सिरसागंज विधानसभा की पदयात्रा का प्रत्येक पदयात्रा में जितनी टोली चली थी उन सब टोलियों को, प्रत्येक टोली को हर तीसरे दिन किसी न किसी गांव में और नगरीय क्षेत्र में किसी न किसी वार्ड में तीसरे दिन ग्राम चौपाल नाम दिया था, ग्राम चौपाल करनी थी। उसके अंतर्गत संबंधित गांव के लेखपाल, सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार और कोई न कोई पार्टी संगठन का व्यक्ति और सरकार का कोई अधिकारी रहता था और गांव में रात्रि चौपाल करते थे। उस चौपाल में जो समस्याओं का समाधान भी किया और अपनी जो लाभकारी योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में भी लोगों को